तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है आफ्टर बिग बॉस? आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, घर आके किसे अच्छा नहीं लगता, और बहुत ही अच्छी फीलिंग है वापस आके खुले आसमान में सांस लेना। खाना नहीं बनाना है, कपड़े नहीं धोने हैं, बर्तन नहीं मांजने हैं, टॉयलेट साफ़ नहीं करने हैं, और बस इट्स अ गुड फीलिंग। आपके पास अपने लोग हैं, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास है, और यहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, सबसे अच्छी बात ये। मैम, मैं भी ये भी जानना चाहूँगी, जब आप बिग बॉस से बाहर निकले, टॉप 4, टॉप, हम जहाँ तक हम ऑडियंस को लग रहा था, विनर इज़ अंकिता लोखंडे, क्योंकि जब विक्की भैया इवेक्ट हुए टॉप 6 से, तो ये कहीं ना कहीं हम मीडिया पर्सन को कंफर्म हो गया था कि ट्रॉफी तो आएगा ही, अंकिता लोखंडे इज़ द तो विनर। सो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है ये मेरे बोलने से ज़्यादा जब Yeah. लोग बोलते हैं ना तो उस चीज़ की वैल्यू होती है, राइट? ट्रॉफी एक ऐसी चीज़ है ना जो एक को ही मिलनी चाहिए थी, किसी एक को मिलती, बट यू नो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर मुनव्वर भी जीता है तो आई एम श्योर यू नो उनके इतने फॉलोअर्स बाहर हैं, Yes. उनको प्यार करने वाले इतने लोग, मैं ये नहीं बोल रही मेरे नहीं है, मेरे भी हैं, लेकिन शायद उस टाइम उस वोट के ज़रिए शायद उतना वो नहीं मिल पाया होगा। तो मुझे लगता है किसी एक की हार है ना, किसी उस घर में सर्वाइव करना भी एक बहुत बड़ी जीत है, मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी। जितने लोग वहाँ थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं सबने बहुत मेहनत की है, और टॉप 5 तक पहुँच कर अपने आप को वहाँ खड़ा रखना भी बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे मुनावर का नाम लिया, तो मैं एक आपका छोटा सा क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है, मुझे इस पर्सनली बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो सुना। आपने एक इंटरव्यू में आपसे शायद पूछा गया था, कि जब टॉप 2 का नाम अनाउंस हुआ तो आपको एज अ विनर कौन पसंद था, तो आपने बहुत अच्छा नाम लिया कि मुनावर, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अभिषेक, क्योंकि मेंटली और फिजिकली ज़्यादा उसका गेम प्लॉटिंग आपको ज़्यादा अच्छा लगा। बट कहीं ना कहीं अभिषेक अपने एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आया जो कतई किसी को नहीं पसंद आया। उनका कहना था कि अंकिता लोखंडे एक बहुत बड़ा नाम है, वो कहीं ना कहीं अपने नाम और फेम की वजह से टॉप 4 और टॉप 5 में डिजर्व थी, नहीं तो वो नहीं डिजर्व करती थी। इस पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा कोई स्टैंड नहीं है इस पे, मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच्योरिटी लेवल, एग्जैक्टली तो अगर मैं क्या बोलूँ अभिषेक को, बट मुझे ऐसा लगता है कि इमच्योर है, एंड देन मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा आपके सीनियर्स जो होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, आप इस फील्ड में हो, मैंने हमेशा अपने सीनियर्स की उतनी रिस्पेक्ट की है लाइफ में, और मुझे बस ऐसा लगता है कि अभिषेक अभी यू नो नया नया पढ़ाव है उनका, थोड़ा एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेडमेंट उसमें रहता है, वो हमेशा है, बट ठीक है, इट्स ओके, आई हैव नथिंग टू से, बिकॉज हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद वो अगर ये बोल रहा है तो उसको भी समझ में आएगा कि वो गलत बोल रहा है, यू नो कहीं ना कहीं नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड रहती है, इक्वेशन रहता है, लेकिन क्या होता है जब आप नई नई सीढ़ी चढ़ते हो ना, थोड़ा आता है। जब भी आप टॉप 4 के टॉप 3 के रनर अप से बाहर हुई, तो आपके जगह जो जिसका स्टैंड लेना मुझे बहुत पसंद आया, वो सलमान खान थे। जी जो उन्होंने टॉन्ट सबको दिया, वो बहुत नहीं, मेरी सुन के सच्ची मजा फैन लगी मेरे को एकदम। क्योंकि वो बहुत मजा आया सुन के, क्योंकि उनका एक लाइन मुझे बहुत पसंद आया, जब तक तुम लोग अपना करियर स्टार्ट तब करोगे तक 2 प्रोजेक्ट खत्म हो चुके होंगे, और यही हुआ, मेरी फिल्म आ रही है 22 मार्च को, आई है नो, ना, और उसके बाद मेरी इतनी सारी चीजें लाइनअप, तो मुझे लगता है जब सलमान सर ये बोलते हैं ना वो दी एंड है, क्योंकि वीकेंड का बार पे हम किसकी बातें सुनते हैं, सलमान सर की, तो जनता किसको मानती है, सलमान सर को, और जब सलमान सर ने ये बोला कि यू आर द विनर फॉर मी, आई एम ग्रेटफुल टू सलमान सर दैट ही सेड दैट, क्योंकि वो भी हमारे साथ उस जर्नी में बहुत अटूट हिस्सा रहते हैं, यू नो अगर हम किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो वो पूरा उस चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट उनका भी होता है, तो मुझे लगता है कि अगर वो ये कहते हैं तो मैं बस, उन्होंने कह दिया, आप लोगों ने कह दिया, और क्या चाहिए, खत्म बात। बात करें अगर बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जो निकलते गए बिग बॉस के हाउस से, उनका हर किसी का एक ही स्टेटमेंट था कि अंकिता लोखंडे रिश्ते बनाती हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अच्छा
और जो एक बात बहुत किस, ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है ये उन लोगों ने बोला जिनके साथ मैं रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे नहीं बना पाए। बट हम जहाँ देखते थे मैम, आपका रिश्ता हर किसी से बना है, बस फिर बोल दिया आपने, और क्या है, हर किसी उनकी से बातों रिश्ता को बना है। डिक्लाइन करते हैं हम सारी। यस, बट जब भी उनके इंटरव्यूज होते थे, यू नो, वो एक स्टेटमेंट लेते थे कि आपने एक नाम लिया था हाउस में बहुत बार, वो हम फील करते थे कि क्यों, क्योंकि वो आपने खुद से नहीं लिए थे। सुशांत का नाम, यस हाँ, मैंने कोई एक इंटरव्यू में सुना भी जहाँ रिंकू मैम बोल रही थी कि सुशांत का नाम क्यों अंकिता ने लिया। वो कहीं ना कहीं बट बोल रही थी कि फेम के लिए, वोट के लिए, यू अब नो। ये रिंकू मैम ही जाने, लेकिन मुझे लगता है कि इवन रिंकू के बाद भी लोगों ने नाम ली, ये बातें कही हैं। जिन्होंने भी कही है या उनको, आई एम श्योर मुझसे शायद वो मुझे नहीं समझ पाए होंगे, और मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है, ठीक है, उनका वो टेक हो सकता है, लेकिन मुझसे जब पूछा गया तभी मैंने सुशांत के बारे में बात की है हमेशा। मुझे किसी ने अगर पूछा है कि वो कैसे थे, और मैं क्यों छुपाऊं और मैं क्यों ना नाम लूं, मैं वहां अपने पापा